सॉरी स्टाइल करके फ्लॉन्ट कर पाए। Hey beauties, welcome back to Komal's Closet. This is Komal and today we're gonna talk about styling of pear shape or triangle body type. आप अपना बॉडी टाइप कैसे जान सकते हैं उस पे मैं वीडियो प्रीवियसली बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सो इफ यू हैव अ पियर शेप और ट्राइंगल बॉडी टाइप देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पियर शेप बॉडी टाइप में आपका लोअर बॉडी जो होता है वो अपर बॉडी से ज्यादा हैवी होता है। सो यू कैन से आपका हिप एरिया जो होता है वो ज्यादा ब्रॉड होता है कंपेयरिंग टू योर चेस्ट एंड शोल्डर्स। तो आपका स्ट्रेंथ है इस बॉडी टाइप में वेस्ट लाइन जिसको आप एग्जैगरेट कर सकते हैं और आपकी वीकनेस है हिप्स। इट डजंट मीन आपको हिप को बहुत सारा कवर अप करके छुपाना है। मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आप इस बॉडी टाइप को अच्छे से फ्लॉन्ट करके स्टाइल करके फ्लॉन्ट कर पाए। सो व्हेन योर पियर शेप बॉडी मोस्टली आपको आपकी अपर बॉडी को एग्जैगरेट करना है या उसको विजिबली ज्यादा दिखाना है और आपका जो लोअर बॉडी यानी कि हिप एरिया है उसको थोड़ा सा कैमोफ्लाज करना है या फिर उसकी स्टाइलिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट कलर्स एंड प्रिंट। जब आप लोअर बॉडी पे कुछ पहन रहे हो लाइक शॉर्ट स्कर्ट ट्राउजर जीन्स कुछ भी तब उसका कलर जो है वो आप चूज करने में ज्यादा ध्यान रखें। जैसे आपको लाइट कलर्स नहीं लेने हैं और मोस्टली आपको डार्क कलर्स लेने हैं ताकि आपका लोअर बॉडी ज्यादा एग्जैगरेट ना हो। और आप बिल्कुल उल्टा कर सकते हैं अपर बॉडी के लिए। जब आप टॉप्स वगैरह चूज कर रहे हो तो आप बोल्ड प्रिंट्स और यू कैन से लाइट कलर्स के टॉप ले सकते हो। डार्क कलर्स बॉटम के लिए रखें और लाइट कलर्स अपर बॉडी के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोथिंग पीसेस। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट टॉप्स। आपको किस तरीके के टॉप्स पहनने हैं। टॉप के लेंथ की बात करें तो आप जब कोई भी टॉप चूज करें तो वो हिप लेवल पे एंड नहीं होना चाहिए। मतलब कि या तो उसकी लेंथ क्रॉप टॉप जैसी होनी चाहिए या फिर थोड़ा सा हिप के नीचे तक आनी चाहिए। सो मेक श्योर आप जब टॉप चूज करें तो उसकी लेंथ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं आपको नेकलाइन स्लीव्स वो किस टाइप की पहननी चाहिए। एज आई टोल्ड यू इस बॉडी टाइप में आपको अपर बॉडी को ज्यादा एग्जैगरेट करना है। सो आप जो भी टॉप चूज कर रहे हो उसकी नेकलाइन स्लीव्स उसमें कुछ भी एम्बेलिशमेंट है या फिर कुछ पैटर्न है तो वो आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा। लाइक टॉप्स में आप ऑफ शोल्डर कोल्ड शोल्डर बोट नेक इस टाइप के टॉप्स पहन सकते हैं जिससे आपका ये जो शोल्डर लाइन है वो ज्यादा ब्रॉड दिखेगा। इवन स्लीव्स में आप थोड़ा ड्रामेटिक स्लीव्स चूज करिए लाइक बेल स्लीव्स पफ स्लीव्स और भी स्लीव्स में जिसके पैटर्न हो जो आपको ज्यादा यहाँ से हैवी दिखाए। इवन आप पैडेड शोल्डर वाले टॉप्स चूज कर सकते हो जिससे आपका शोल्डर ज्यादा हैवी और एग्जैगरेट दिखे। डिटेलिंग की बात करें तो आपके अपर बॉडी में जो भी डिटेलिंग आएगी आपके टॉप्स या फिर कोई भी आउटफिट में वो आपके बॉडी टाइप के लिए ज्यादा सूटेबल रहेगी। जब आप प्रिंट्स की बात करते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन वाले टॉप्स चूज कीजिए ताकि वो आपके अपर बॉडी को एग्जैगरेट करे और आपके शोल्डर लाइन और चेस्ट लाइन को थोड़ा सा ब्रॉड दिखाए। अगर आप जैकेट्स या श्रग पहनना चाहते हो तो भी वो क्रॉप लेंथ के हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीन्स एंड ट्राउजर्स। जैसे मैंने पहले कहा आपको बॉटम में डार्क शेड्स चूज करने हैं तो जीन्स में भी आप डार्क शेड चूज करें और लाइट या फेडेड जीन्स इज नो नो फॉर यू। एंड आपको स्किनी जीन्स से भी दूर रहना है एज स्किनी जीन्स आपके लोअर बॉडी को बहुत ज्यादा एग्जैगरेट करेगा। तो स्किनी जीन्स के बदले आप बेल बॉटम या फिर फ्लैट लेग जीन्स यूज कर सकते हैं। इवन स्ट्रेट कट जीन्स भी आप चूज कर सकते हैं बट स्किनी जीन्स विल नॉट सूट ऑन योर बॉडी टाइप। जीन्स वगैरह चूज करते टाइम एक बात का और ध्यान रखें कि फ्रंट या बैक के पॉकेट में कोई डिटेलिंग ना हो बिकॉज वी वॉन्ट आर बॉटम वेरी सिंपल एंड सोबर ताकि ज्यादा ध्यान अपर बॉडी पे रहे लोअर बॉडी पे नहीं। जीन्स और ट्राउजर की जो वेस्ट है वो हाई वेस्ट चूज करें ताकि वो आपकी बॉडी को प्रोपोर्शनेट दिखाए। अब बात करते हैं स्कर्ट्स की। तो जब आप स्कर्ट चूज करें तो उसकी लेंथ नी या काफ तक की होनी चाहिए। और आप प्रिंट्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्रिंट आप स्कर्ट्स में बिल्कुल ना ले। डार्क कलर्स का यूज करें स्कर्ट्स में भी। छोटी गैदरिंग वाली प्लीटेड या फिर ए लाइन स्कर्ट आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगी। पेंसिल स्कर्ट बिल्कुल ना पहने बिकॉज वो आपके हिप एरिया को ज्यादा एग्जैगरेट करके दिखाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रेसेस कि आपको किस टाइप के ड्रेस पहनने चाहिए। सो जब आप ड्रेस चूज कर रहे हो तो आप ध्यान रखें कि सारा अटेंशन आपकी वेस्ट पे ज्यादा आए और आपके लोअर बॉडी को वो ड्रेस कंसील कर रहा हो।
ड्रेस के टाइप की बात करें तो आप एम्पायर ड्रेस, ए लाइन ड्रेस या फिर रैप ड्रेस पहन सकते हैं। इवन ट्यूलिप ड्रेस विल गो गुड ऑन योर बॉडी टाइप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट्स। तो जब भी आप शॉर्ट सिलेक्ट करें तो मेक श्योर आप सिंपल एंड टेलर्ड हाई वेस्टेड शॉर्ट सिलेक्ट करें। वेस्ट पैटर्न में इस टाइप के बो वाले या फिर वेस्ट बेल्ट वाले शॉर्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस टाइप के शॉर्ट्स आपकी वेस्ट को एक डिफाइंड लुक देंगे। स्किनी शॉर्ट्स आर नॉट सूटेबल फॉर यू। इवन आपको ब्राइट कलर या फिर इस टाइप के एम्बेलिशमेंट वाले शॉर्ट्स भी अवॉइड करने हैं, एज इस टाइप के पैटर्न आपके थाइज और हिप्स को और ज़्यादा वाइडर लुक देते हैं। बात करते हैं जंप सूट्स एंड प्ले सूट्स की। जंप सूट्स में आप ऐसे फ्लैट लेग वाले थोड़े से प्लाजो स्टाइल के जंप सूट चूज कर सकते हैं। नेक लाइन जिसकी ब्रॉड हो एंड स्लीव्स में कुछ एम्बेलिशमेंट या पैटर्न हो, उस टाइप के जंप सूट आपके बॉडी को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सेम विद द प्ले सूट्स, आप रफल स्लीव, बलून स्लीव्स एंड ब्रॉड नेकलाइन वाले प्ले सूट्स भी चूज कर सकते हैं। हाउ कैन वी फॉरगेट इंडियन वेयर? इफ यू हैव अ प्योर शेप बॉडी देन अनारकली ड्रेसेस विद योक डिजाइन आर योर बेस्ट फ्रेंड। वो आपकी बॉडी को बहुत फ्लैटरिंग दिखाते हैं। लॉन्ग कुर्ता विद फ्लैट प्लाजो और शरारा विल ऑल्सो लुक गुड ऑन यू, और वो काफी ट्रेंड में भी है। शॉर्ट कुर्ती एंड पटियाला सलवार का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी बॉडी टाइप पे बिल्कुल सूट नहीं करेगा, सो अवॉइड दिस। इफ यू वॉन्ट टू वेयर लहंगा और साड़ी देन मेक श्योर आप लहंगे और साड़ी को थोड़ा सिंपल रखें और जो उसका ब्लाउज है उसे हैवी बनाए। इससे सारा अटेंशन अपर बॉडी पे आ जाएगा और आपकी लोअर बॉडी थोड़ी कैमोफ्लेज हो जाएगी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सेसरीज। एज आपको सारा अटेंशन अपर बॉडी पे लेना है, सो यू कैन वेयर स्टेटमेंट नेकलेसेस, हैवी एंड चंकी इयर रिंग्स। इवन यू कैन स्टाइल अ प्रिंटेड और एम्बेलिश स्कार्फ टू एग्जैगरेट योर नेक एरिया। डोंट यूज स्लिंग बैग्स एज इट विल फॉल अराउंड योर हिप्स एंड इट विल मेक योर हिप्स लुक मोर वाइडर। इंस्टेड यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ टोट बैग एंड हैंड बैग्स। प्ले विद डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट बेल्ट एज इट विल ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स योर वेस्ट। शूज की बात करें तो आप इस तरीके से प्लेटफॉर्म शूज या फिर वेजेस स्टाइल कर सकते हैं। इस टाइप के प्लेटफॉर्म शूज आपकी बॉडी को प्रोपोर्शनेट लुक देते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कमेंट बिलो नेक्स्ट आपको कौन से बॉडी टाइप की स्टाइलिंग का वीडियो चाहिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो आप कोई भी वीडियो मिस न करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।